रफली राइड किया है प्लस के ये पिलर राइडर के साथ राइड किया है, तो ये जो बाइक है ना 125 cc सेगमेंट में ना हीरो की तो बहुत सारी बाइकें आती थी, लेकिन ये जो बाइक लॉन्च हुई है ना आने वाले हैं, और आज हम आपको इसका सिटी हाईवे सब कुछ में चला के इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंट EBT। तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक को राइड कर लिया है और हम आपको चलिए चलते हैं कि सबसे पहले पेट्रोल टैंक पे और इसका करते हैं पूरा फुल फ्यूल टैंक, उसके बाद इसका क्या कहते हैं हम लोग करेंगे माइलेज टेस्ट। फुल कर दीजिए। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me. So guys, finally, आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की latest model Hero की Extreme 125 bar, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो guys, आज हम इस bike को चलाने वाले हैं और आज हम आपको इसका city, highway सब कुछ में चला के आपको इसका mileage test करके दिखाएंगे कि ये जो bike है ना आपको कितना माइलेज देखने को दे देती है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंट EBT यानी कि इंजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ BS6 फेस्ट इंजन मिल जाता है, ओवरड्यू सेंसर देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि इस इंजन के साथ इसमें आपको कितना माइलेज ये बाइक देती है, क्या इसमें आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे। तो गाइज अगर आप लोग भी एक्सट्रीम 125 आर को लेने वाले हैं और इस बाइक के बारे में माइलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चले गए मैं तो चले गए तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और लेके चलते हैं, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका मीटर कंसोल। तो आप जैसे मीटर कंसोल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, अभी आपकी जो बाइक है ना ओडोमीटर में आप देख सकते हैं 73 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। चलिए हम आपको इसका एक प्रूफ रख लेते हैं कि 73 किलोमीटर अभी ये बाइक चली हुई है, उसके बाद हम आपको कितना बाइक चलाएंगे, उसके बाद इसका क्या कहते हैं एग्जैक्ट हम आपको माइलेज टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये जो बाइक है ना आपको कितना माइलेज निकाल के दी है। तो 73 किलोमीटर चली हुई है, अब चलते हैं बाइक को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं हाईवे और सिटी राइड करते हैं और देखते हैं कि ये बाइक जो है ना कितना माइलेज देती है। तो चलिए गाइस सबसे पहले फर्स्ट गियर में बाइक को डालते हैं। ये रहा फर्स्ट गियर, इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये जो बाइक है ना न्यूली लॉन्च हुई है हीरो की तरफ से एक्सट्रीम 125 R, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 125 cc सेगमेंट में ना हीरो की तो बहुत सारी बाइकें आती थी, लेकिन ये जो बाइक लॉन्च हुई है ना एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक बन जाती है, क्योंकि इसका जो कि कहते हैं आपको लुक मिलता है ना काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए आपको बता दें एक चीज़, अभी हम जो बाइक को चला रहे हैं ना एक इको मोड में चलाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो बाइक के माइलेज होते हैं ना वो एग्जैक्ट आपको इको मोड में आपको सही देखने को मिलता है। अगर आप लोग रफली राइड करते हैं तो आपको माइलेज जो है ना मतलब उतना तो नहीं देगा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको माइलेज अच्छा खासा नहीं मिलेगा, माइलेज ठीक ठाक जरूर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, कंपनी इसमें क्लेम करती है कि लगभग 60 से 64 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देती है, और देखते हैं चला के इस बाइक को क्या ये हीरो मोटोकॉर्प जो है ना इसको जो क्लेम कर रही है कि कहते हैं इसमें आपको कहते हैं 60 से 64 का माइलेज मिलेगा, क्या उतना माइलेज इसमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। और एक चीज़ आपको और बता दें, ये ABS मॉडल है तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you... तो गाइज आप लोग एक क्लियर हो जाइएगा कि हम जो बाइक चलाएंगे ना लगभग कहते हैं 60-70 के स्पीड में चलाएंगे, और हाईवे पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा इसको रफली भी राइड करेंगे। तो गाइज फाइनली मैंने इस बाइक को लगभग कहते हैं ट्रैफिक में 75 किलोमीटर तक अभी तक चला लिया है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 73 या 72 किलोमीटर ओडोमीटर में शो कर रहा था, लेकिन अभी शो कर रहा है 75 किलोमीटर। तो लगभग 3 किलोमीटर मैंने राइड कर लिया है और अब थोड़ा सा बढ़ रहे हैं खाली रास्तों की तरफ, अभी तक तो सिटी राइड कर रहे थे। और आपको बता दें सस्पेंशन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट में आपको टेलोस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में आपको मोनोसॉक सोवा का सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो सोवा का सस्पेंशन होता है ना काफ़ी कम्फर्टेबल माना जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग मैंने 82 किलोमीटर यहाँ पे ओडोमीटर में शो कर रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 72 किलोमीटर चला था, तो लगभग मैंने इस बाइक को 10 किलोमीटर राइड कर लिया है, अभी 10-12 किलोमीटर और राइड करेंगे उसके बाद हम इसको एग्जैक्ट कहते हैं एक्यूरेट आपको बताएंगे कि ये जो बाइक है ना
रिफ्यूलिंग कराने के बाद कि आपको कितना माइलेज देखने को दे दे रही है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम जो बाइक को चला रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि 20, 25, 30 की स्पीड में चला के माइलेज अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा नॉर्मल स्पीड चलाया जाता है 50, 70 के बीच में ही हम बाइक को राइड कर रहे हैं, 50 से लेकर 65, 70 तक में ही राइड कर रहे हैं। तो उसमें आपका जो माइलेज मिलेगा ना, एक मतलब बेस्ट माइलेज मिल जाता है 50-60 के स्पीड में, क्योंकि वो जो होता है ना वो इको मूड होता है आपको। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि किसी बाइक को अगर आप लोग राइड कर रहे हैं और आप लोगों को अच्छा माइलेज उससे गेन करना है, तो बाइक को हमेशा कोशिश करिए कि टाइम टू टाइम गियर शिफ्ट करिए, सर्विसिंग कराइए, साथ ही साथ बाइक को कोशिश करिए कि हमेशा कहते हैं इको स्पीड में राइड किया जाए, जिसकी मदद से आपको माइलेज एक मतलब बेहतरीन माइलेज दे दे वो बाइक। तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक को 87 किलोमीटर राइड कर लिया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 72 किलोमीटर चली थी, अब मैंने इस बाइक को लगभग 87 किलोमीटर यहाँ पे ओडोमीटर में शो कर रहा है। तो लगभग क्या कहते हैं, मैंने इसे 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर राइड कर लिया है। अभी 5-10 किलोमीटर और राइड करते हैं, 25 किलोमीटर के बाद इसमें हम रिफ्यूल कराएंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये जो बाइक है ना आपको कितना माइलेज देखने को देती है। तो गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी ओडोमीटर में 90 किलोमीटर बाइक ये चल चुकी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना 73 किलोमीटर चली थी, अब यहाँ पे 90 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 2-3 किलोमीटर और चलाएंगे, लगभग ये कहते हैं 20-25 किलोमीटर बाइक को राइड करने के बाद हम इसे रिफ्यूल कराएंगे, उसके बाद कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये जो बाइक है ना आपको कितना माइलेज देती है। Pride got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So तो गाइस फाइनली आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि 93 किलोमीटर अब मैंने इस बाइक को लगभग चला लिया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो 73 किलोमीटर चली थी, अभी 93 किलोमीटर चला था। लगभग मैंने इस बाइक को ना 20 किलोमीटर राइड किया है, जिसमें सिटी हाईवे और 50, 40, 60, 70 तक की स्पीड तक मैंने इस बाइक को राइड किया है। अब देखते हैं आगे कहीं के कितने पेट्रोल टंकी वो दिख रहा है, वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद इसको रिफ्यूल कराते हैं और देखते हैं कि रिफ्यूल कराने के बाद कितना इसमें फ्यूल आया है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करके हम आपको डिस्प्ले पे दिखा देंगे कि ये जो बाइक है ना क्या उतना माइलेज दे रही है जितना कंपनी क्लेम कर रही है, या फिर उससे ज़्यादा भी दे रही है। और एक चीज़ आप क्लियर हो जाएगा कि हम पिलियन राइडर के साथ राइड कर रहे हैं, सिंगल राइडर के साथ राइड नहीं कर रहे हैं। तो वेट का जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा कहते हैं इफेक्ट पड़ता है माइलेज पे। तो चलिए आप देख सकते हैं सामने इंडियन ऑयल, प्रमोशन नहीं है भाई उसके लिए, आप लोग मत नाम पढ़ा है मैंने, सिर्फ प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे इंडियन ऑयल का। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं पेट्रोल टैंक पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इसका फ्यूल लेवल,
तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक को राइड कर लिया है और हम आपको चले सबसे पहले इसका मीटर कंसोल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने बाइक को राइड करना शुरू किया था तो इसमें 72 किलोमीटर 73 किलोमीटर चली थी, लेकिन अब यहाँ पे देखें 94 किलोमीटर चल चुकी है। तो लगभग मैंने इस बाइक को कहते हैं 21 किलोमीटर राइड कर लिया है। तो 21 किलोमीटर राइड करने के बाद कहते हैं इसमें आपको दिखाते हैं कि मैंने कितना फ्यूल कहते हैं इसमें रिफ्यूल कराया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए हम आपको इसका डिस्प्ले पे ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0.34 लीटर मैंने पेट्रोल डलाया है 21 किलोमीटर राइड करने में। तो अब हम आपको चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 21 to 0.34, तो मैंने इस बाइक को मतलब लगभग कहते हैं रफली राइड किया है, प्लस कहते हैं पिलर राइडर के साथ राइड किया है। तो ये जो बाइक है ना 61 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे रही है पिलर राइडर के साथ। लेकिन अगर आप लोग सिंगल राइडर के साथ राइड करते हैं तो ये जो बाइक है ना लगभग आपको 64 से 65 तक का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी। तो गाइज इस बाइक का जो माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है ना 60 से 65, वो काफ़ी अच्छा है और वो एग्जैक्ट माइलेज भी है। पिलियन राइडर के साथ 61 का माइलेज मिला है, 61 से 62 का माइलेज मिला है। तो सिंगल राइडर के साथ ये जो बाइक है ना 65 से 70 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी। तो गाइज अब आप लोग बताना कि जो Xtreme 125R जो है ना माइलेज भी अच्छा दे रही है, लुक भी अच्छा दे रही है, फीचर्स भी अच्छा दे रही है, तो क्या आप लोग इस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो अपने रखे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलेगा इस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हल्के दिन के हैंडल चूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।